साल 2014 में बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट जब सत्ता में एक भारी बहुमत के साथ आई, तो एक नई चीज़ जो देखने को मिली वो ये थी कि इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम्स पे बहुत एक के बाद दूसरा एक सीरीज शुरू हुआ वो अटैक होने का। जेएनयू को जेएनयू से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। जेएनयू को नक्सल्स और एंटी नेशनल्स का अड्डा बताया गया। फिर ये मामला कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी तक था। फिर ये वहाँ से ये सिलसिला चला, यूपी के इलाहाबाद पहुँचा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में की जो स्टूडेंट यूनियन की लीडर थी ऋचा, उन पर अटैक हुआ और ये सिलसिला आज भी चलता आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले, एक साल पहले, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी एक रैली होनी थी। उनका एक प्रोग्राम था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी कुछ मांगों को लेके और जो यूनिवर्सिटी पे हायर एजुकेशन सिस्टम पे होने वाले अटैक्स के खिलाफ उनके खिलाफ प्रतिरोध किया, प्रोटेस्ट किया और काले झंडे दिखाए। उसके बाद एक सिलसिला चला स्टूडेंट पे क्रैकडाउन होने का। उस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को जो लीड कर रही थी वो पूजा शुक्ला थी। पूजा हमारे साथ अभी मौजूद हैं उस इशू पे बात करने के लिए। पूजा, न्यूज़ क्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप ये मुझे बताएं कि क्यों ऐसा है, एक जो पूरा हायर एजुकेशन सिस्टम है इस कंट्री का, उस पर एक तरह से एक सिलसिला चल रहा है अटैक का, और जब आपने योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखाए अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में, उसके बाद आपको एक महीने तक जेल में रखा गया, और जब कभी भी भाजपा के किसी बड़े लीडर का कोई प्रोग्राम होता है, जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री का एक वहाँ पे प्रोग्राम था और आपको डिटेन किया गया, 6 घंटे तक आपको गायब रखा गया, क्या है, क्यों वहाँ की सरकार आपसे इतना डर रही है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि 2014 के बाद से जो अटैक था वो यूनिवर्सिटीज़ पे पहला अटैक था, और वो अटैक इसलिए भी था क्योंकि आप ये देखिए कि जैसे अंग्रेज थे तो उन्होंने ये चाहा कि पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था को ख़राब किया जाए, तब लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान होता है। आज ठीक वही है कि लोगों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की जगह, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन देने की जगह वो ये क्या कर रहे हैं कि लगातार यूनिवर्सिटीज़ के वर्चस्व को ख़त्म कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम को हार्म कर रहे हैं, और लोगों को शिक्षित कहाँ से कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं या तमाम ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर सिर्फ शिक्षा के नाम पर डिग्री बांटी जाती है, और वो ये जो बिज़नेस है ये और तेज़ी से इसमें जो है बढ़ोतरी आई है, और लगातार जो इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे देश के, जो विश्वविद्यालय हैं, उन पे अटैक भी इसीलिए है कि इस भारत के जो युवा पीढ़ी है, भारत की जो युवा हैं, जो सवाल करते हैं, जो छात्र नेता सवाल करते हैं, उनके सवालों को पहले ख़त्म किया जाए, इसलिए पहला अटैक था। वो अटैक देखिए किस पे हुआ कि हायर एजुकेशन में फ़ी हाइक हो रहा है। फ़ी हाइक क्यों हो रहा है? ताकि जो गरीब के बच्चे हैं, जो दो टाइम का खाना नहीं खा पाते लेकिन फिर भी सोचते हैं कि हम किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा सके, किसी कैंपस में भेज सके, वो पढ़ सके, तो वो गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की एक मुहिम है। दूसरी मुहिम ये है कि इन्होंने सीट कट किया। अब आप ये सोचिए कि वैसे भी महिलाएं पढ़ाई में नहीं आती हैं, और ये PhD में तो बहुत ही कम हिस्सा है जो महिलाओं का पहुंच पाता है या जो गरीब है उनका पहुंच पाता है, तो ये जिस तरह से सीटें कम होंगी, फीसें ज़्यादा होंगी, तो जाहिर सी बात है कि गरीब के बच्चे इतने साल वेट नहीं कर पाएंगे कि अगली बार सीट आएगी तो हम अप्लाई करेंगे। तो ये पूरी मुहिम जो है वो गरीबों के खिलाफ है, और ये सरकार ये चाहती है कि कुछ चंद लोग इस देश में पढ़ें, उन्हीं का वर्चस्व हो, यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म करके, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करके वो चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ें, आप ये पढ़ें कि जो है जिन्ना की फ़ोटो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपका ये इशू ना हो कि रोज़गार हो या ना हो, आपका ये भी इशू ना हो कि सीट हो ना हो। तो कुल मिला के वो मूर्खों की जमात को इस देश में खड़ा करना चाहते हैं, और वही इनकी मुहिम है। अब योगी आदित्यनाथ को हमने काला झंडा दिखाया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कि 60% से ज़्यादा लखनऊ विश्वविद्यालय का फ़ी हाइक हुआ। हमने वाइस चांसलर से कहा कि जब फ़ी हाइक हो रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप चलिए हमारे साथ प्रदर्शन करिए और मांगिए सरकार से पैसा, तो उन्होंने बोला हम नहीं मांगेंगे। बाद में मालूम चला कि RSS के प्रोग्राम्स एकेडमिक्स के पैसे से हो रहे हैं। हमने इसका विरोध करने के लिए योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देना चाहा और काला झंडा दिखाया। तो जब हम काला झंडा दिखाते हैं उसके बाद NSG हमें पीट रहा है, पीटने के बाद
काला झंडा इतनी बड़ी घटना हो गई कि उसके लिए हमें एक महीना जेल में रखा गया। तो आप ये सोचिए कि जिस उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इनकाउंटर हो रहे हैं या जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उस जब आप पूरे पुलिस फोर्स को मेरे पीछे लगा देंगे कि कोई बड़ा लीडर आ रहा है तो जाकर उसको पकड़ लाइए, उस स्टूडेंट लीडर को पकड़ लाइए, या आप पूरे पुलिस को जब स्टूडेंट्स के पीछे लगा देंगे, जेलों में स्टूडेंट को भरेंगे, तो असल अपराधी का तो आपको इनकाउंटर ही करना पड़ेगा। असल अपराध तो उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ेगा ही, क्योंकि पुलिस तो स्टूडेंट लीडर्स के पीछे घूम रही है। तो ये इनका डर है, ये जानते हैं कि जिस तरह से आपातकाल के खिलाफ या जिस तरह से जेपी मूवमेंट खड़ा हुआ था, एक का मूवमेंट इंदिरा के भ्रष्टाचार का मूवमेंट बना था, इस छात्रों की आवाज से इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार को और पूरे संघ को डर लगता है। और ये चाहते हैं कि कैसे भी करके हम स्टूडेंट्स को दबा दें, स्टूडेंट्स को दबा देंगे तो प्रतिरोध के एक स्वर को ये खत्म करना चाहते हैं। ऐसा होने नहीं जा रहा है, हम लोग तो लड़ रहे हैं और लड़ेंगे आगे भी। एक नया नैरेटिव सेट किया गया है कि सारी यूनिवर्सिटीज पब्लिक फंडेड होती हैं, टैक्स के पैसे से चलती हैं, तो जो उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो पॉलिटिक्स ना करें, अपनी पढ़ाई करें, पढ़ के अच्छे रोजगार की तलाश में जाएं, नौकरी करें, उनको ये करने की क्या जरूरत है? क्या सोचती हैं पूजा? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि दो चीजें हैं, एक तो ये कहने वाले लोग कौन हैं, ये कहने वाले लोग वही लोग हैं जो अपने स्टूडेंट टाइम में स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया करते थे। तो इनको एक तो डर लगता है क्योंकि ये जानते हैं कि स्टूडेंट मूवमेंट का मतलब क्या होता है। दूसरी बात ये कि मैं ये मानती हूँ चूंकि हम लोग स्टूडेंट लीडर हैं और एक स्टूडेंट लीडर के लिए सबसे पहला आइडियल जो होता है वो भगत सिंह होता है, तो मुझे भगत सिंह की वो बात याद आती है जब विद्यार्थी और राजनीति वो लेख लिख रहे होते हैं और उस लेख में उन्होंने लिखा होता है कि जिस जो शिक्षा हमें हमारे समाज से ना जोड़े, जो शिक्षा हमारे सामाजिक पहलुओं से, सामाजिक सवालों से हमको अगर ना परिचित करवाए तो वो शिक्षा व्यवस्था निकम्मी है और सिर्फ हमें क्लर्की का ज्ञान दे रही। तो क्लर्की का ज्ञान लेने के लिए हम विश्वविद्यालय पढ़ने नहीं जाते हैं, हम विश्वविद्यालय इस समाज को समझने के लिए, इस देश को समझने के लिए और अपनी जो अपनी पढ़ाई है उसको समझने के लिए जाते हैं। जब आप ये कहते हैं कि आप राजनीति ना करें तो आप असल में जो है सरकारी राजनीति को समर्थन करने की बात कर रहे होते हैं। तो हम ये मानते हैं कि अगर सरकारी राजनीति गलत करेगी, छात्र विरोधी, जनता विरोधी नीतियों को लाएगी, तो हम उसके खिलाफ सवाल खड़ा करेंगे, क्योंकि हम वो छात्र हैं, हम युवा हैं और युवाओं का काम होता है कि वो अन्याय के खिलाफ लड़े। लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं, तो ये जो नैरेटिव जो सेट किया गया है कि पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस में जो स्टूडेंट जाते हैं लोगों के टैक्स पेयर्स की मनी पे वो पढ़ाई करते हैं, तो उनको पढ़ना चाहिए, उनको इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये कॉमन परसेप्शन है लोगों में। तो यहाँ पे कहाँ पे कमी आ रही है? ये जो स्टूडेंट लीडरशिप है ये जिस तरह से इसको इसका काउंटर नैरेटिव लेके आना चाहिए, उसमें ये स्टूडेंट पूरी की पूरी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जो लीडरशिप है वो फेल हो रही है, और दूसरा नैरेटिव इस पे डोमिनेट कर रहा है, या क्या है ये वजह, क्या है ये काउंटर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, जो सरकार वर्तमान समय में है, पूरा मीडिया उसके पास है, और आज जनता का नैरेटिव सेट कहाँ से हो रहा है? जनता का नैरेटिव जी न्यूज से सेट हो रहा है, जनता का नैरेटिव दैनिक जागरण जैसे अखबार पढ़ के सेट हो रहा है, जिसमें साफ तौर पे झूठ बोल दिया जा रहा है। आज तक जैसे चैनल ये दिखा रहे हैं कि नोटबंदी के समय की इसमें एक चिप लगी हुई है जो इतने नीचे से, तो जनता का नैरेटिव तो मीडिया तय कर रहा है जो कि चौथा स्तंभ माना गया है। तो हमें ये लगता है कि पहली बात तो ये कि जिनसे हमारी लड़ाई है वो बहुत बड़े लोग हैं, उनके पास पूरा स्ट्रक्चर है हमारे खिलाफ, हमारा दमन करने के लिए। और दूसरी बात, मैं ये मानती हूँ कि सरकार ने बहुत कॉन्शियसली छात्रों को अपराधी के बतौर दिखाया है। जैसे कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का एक इंसिडेंट आपको बताऊंगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोगों का प्रवेश रोका गया, आंदोलन चल रहा था, अनशन चल रहा था, बीसी द्वारा प्रायोजित एक हमला होता है, झूठा हमला, जिसमें ये बताया जाता है कि छात्रों के ऊपर, छात्रों ने जो है वाइस चांसलर पे अटैक किया, जबकि ऐसी कोई घटना हुई नहीं होती है, बट अगले दिन सारे अखबार उसको बड़ा बड़ा छापते हैं कि छात्रों ने वाइस चांसलर को मारा। फिर क्या होता है, कोर्ट उस पर सुमोटो ले लेता है। अब जनता में परसेप्शन क्या गया कि छात्रों ने वाइस चांसलर को मारा, जबकि क्या है कि वहां पे ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अब इसी घटना को प्रायोजित ढंग से वीसी ने करवाया, उसके बाद 15 से ज्यादा छात्रों को
जो भी पॉलिटिकल एक्टर्स थे, जो भी जरा सा भी सवाल खड़ा करते थे कैंपस के अंदर, बिना किसी मेडिकल जांच के 307 लगा के उन छात्रों को अंदर कर दिया गया। एक महीना हो गया है, कोर्ट बात सुनने को तैयार नहीं है, ना सरकारें बात कर रही हैं, ना कोई, मतलब बात उन छात्रों पे हुई ही नहीं रही है जो निर्दोष हैं, जो एक महीना से जेल में हैं। अब लोगों के अंदर परसेप्शन क्या गया, नहीं छात्रों ने मारा है, तो परसेप्शन तो मीडिया तय कर रहा है आज के वर्तमान समय में। और रही बात हम लोगों के जाने की, तो देखिए मैं फिर वही कह रही हूँ, जब आपकी लड़ाई बड़ी होती है तो उस लड़ाई की जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं, जैसे क्रांति है, क्रांति 2 मिनट में नहीं आ सकती, क्रांति के लिए लगातार हम लोगों को लगातार इन मोमेंट्स में रहना होगा और अपने आप को साबित करना होगा। जनता में एक बड़ा हिस्सा है जो हमारे साथ खड़ा है, और आप ये देखिए कि छात्र, जैसे JNU इंसिडेंट हुआ, देशद्रोह, मतलब वहां पे तो इतना झूठ बोला गया कि इन्होंने नारे लगाए, बाद में IB इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि कन्हैया ने नहीं लगाए, तो परसेप्शन तो जनता का बना दिया कि JNU देशद्रोही कैंपस है। अब इसको बदलने की जिम्मेदारी भी तो उसी मीडिया की, लेकिन नहीं बदलेंगे। तो आंदोलन चल रहे हैं और उस आंदोलन से मुझे पूरी उम्मीद है कि परिवर्तन संभव है और परिवर्तन होगा। आपका ये एडमिशन रोक दिया गया, आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया लखनऊ यूनिवर्सिटी से, क्यों और किस डिपार्टमेंट में हैं आप, अभी क्या कर रही हैं? देखिए हमने MA वीमेन स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया था पिछले वर्ष, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का ड्रॉप है, तो पिछले वर्ष मैंने योगी आदित्यनाथ को कैंपस के बाहर झंडा दिखाया था। तो उस घटना के बाद से लगातार हम लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, कभी ट्रोल करना, कभी रेप की धमकी मिलना, कभी घर से निकलना मुश्किल हो जाना, कभी घर पे पुलिस की दबिश, इस तरह की हमें समस्याओं का एक लगातार सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्या हुआ कि हमने जब अभी कैंपस में अप्लाई किया, तो कैंपस में हमने अप्लाई किया, एंट्रेंस दिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा एंट्रेंस क्वालिफाई, अगर मैं फेल होती तो पूरे कैंपस में उसके पोस्टर लग चुके होते। तो हमारा रिजल्ट होल्ड कर दिया गया, क्यों? रीज़न ये था कि आपने योगी आदित्यनाथ को झंडा दिखाया, ये बात वो वर्बली बोल रहे थे और हम लगातार कह रहे थे कि आप इस बात को लिखित दे दीजिए। लिखित तो नहीं आया, लेकिन 4 जुलाई की दैनिक जागरण के पेपर मेंशन के दौरान हमने उस पेपर को पढ़ा, तो उसमें प्रॉक्टर का बयान था, चूँकि पूजा शुक्ला ने योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाया इसलिए मैंने एडमिशन नहीं देंगे। तो हमने प्रॉक्टर से कहा कि अगर ये बात सच है तो आप बोलिए, और अगर ये बात झूठ है तो करिए मुकदमा दैनिक जागरण पे। प्रॉक्टर ने बोला नहीं, ये बात तो सच है। तो हम लोगों ने इसीलिए, इन लोगों ने, क्योंकि ये लोग स्टेट को खुश करना चाहते हैं, जैसे हमारे वाइस चांसलर हैं SP सिंह, वो एक भी वाइस चांसलर बनने का नॉर्म्स पूरा नहीं करते हैं। तो आप ये सोचिए कि हमारे टैक्स के पैसे से जो सैलरी वाइस चांसलर को मिल रही है, तो उनको वाइस चांसलर का काम करना चाहिए, ना कि संघ के प्रवक्ता होने का। तो आज विश्वविद्यालयों की हालत ये है कि वहाँ पे जो कुलपति नियुक्त हैं वो अयोग्य हैं, उनकी योग्यता सिर्फ इतनी है कि वो संघ के शाखाओं में जाते हैं, दूसरी योग्यता उनकी इतनी है कि वो स्टूडेंट और शिक्षक के बीच के रिश्ते को ना समझते हुए वो संघ के प्रवक्ता की भांति बात कर रहे हैं। इसीलिए आज सारे कैंपसों का माहौल खराब है। इससे पहले भी आंदोलन हुए हैं, इससे पहले भी चीज़ें हुई हैं, लेकिन हमेशा टीचर और स्टूडेंट के बीच एक संवाद रहा है। लेकिन आज क्या है कि सीधे स्टेट का इंटरफेरेंस है कैंपसेस में, स्टेट का अटैक है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं कैंपस में। तो पूजा शुक्ला से योगी और मोदी सरकार इतना डरती क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तो पूजा शुक्ला को डिटेन कर लिया जाता है, जब तक वो शहर में रहते हैं लखनऊ में तब तक उनको पुलिस पूरे शहर घुमाती रहती है, क्यों डर लगता है योगी सरकार? आपने योगी सरकार को काला झंडा दिखा दिया तो आपको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसा क्या है पूजा शुक्ला में कि सेंटर की गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट आपसे इतना डर रही है? और आपको डिटेन कैसे किया गया था वो इंसिडेंट? हाँ, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि वर्तमान समय में जिन महिलाओं को संघ और भाजपा के लोग, मतलब चूंकि योगी आदित्यनाथ का ये बयान है कि महिलाओं को कंट्रोल करना पड़ता है, या संघ के प्रवक्ता जो बोलते हैं महिलाओं को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, महिलाओं को घर में रह के खाना बनाना चाहिए, तो आज वही महिलाएं इस सत्ता को, इस सरकार को, इस तानाशाही सरकार को चैलेंज कर रही हैं, जो कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में, इतने बुरे दौर में एक पॉजिटिव है हमारे लिए। दूसरी बात ये कि जो, मतलब इन लोगों ने जो आप डिटेन कह रहे हैं, ये डिटेन नहीं है, ये अपहरण है, और अपहरण करके किसी को धमकाना और डराना है। जैसे कि मैं अपार्टमेंट से निकली, अपार्टमेंट से निकलने के बाद कुछ जीप से पुलिस वाले आए, मेरा फ़ोन छीनते हैं, मेरा बैग छीनते हैं, और बिना कुछ बताए कुछ बोले ज़बरदस्ती मुझे ये लोग उसमें जीप में भर के और कहते हैं चलिए। अब चलने का मामला ये है कि हम चलने को तो तैयार हैं, लेकिन रीज़न तो पता हो,
जिस यूपी पुलिस पे आज जनता भरोसा नहीं कर रही है, जिस यूपी पुलिस के कार्यकाल में लगातार इनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिस यूपी पुलिस के कार्यकाल में लड़कियों की इज्जत सरेआम मतलब लुट जा रही है, उस यूपी पुलिस पे हम कैसे भरोसा करें? तो ये लोग हमें पकड़ के ले जाते हैं, हम पूरे रास्ते भर पूछते रहते हैं कि क्या कारण है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट इनका कोई जवाब नहीं आता है। फिर क्या होता है कि सबसे डरावनी सिचुएशन ये होती है कि आपको हाईवे पे घुमा रहे हैं, आपके मोबाइल से वो आपकी मदर बन के बात कर रहे हैं, आपके दोस्त बन के बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि गुमराह कर रहे हैं। अब आप किसी को हाईवे पे पकड़ के ले जाना और उसके मोबाइल फ़ोन से लोगों को गुमराह करना, ये साफ तौर पे दिखाता है कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। और अगर आपने मुझे डिटेन किया था तो आप मुझे थाने ले जा सकते थे, नहीं ले जाया गया। तो कुल मिलाकर के मैं ये मानती हूँ कि सरकार को हर उस आवाज़ से जो कि इनके विरोध में होती है इन्हें डर लगता है, और ये डरपोक सरकार, निहायत ही डरपोक सरकार है, और सिर्फ इसका एक एजेंडा है कि किस तरह से भारत की गरीब जनता को और गरीब कर दिया जाए, और जो अमीर जो पूंजीपति हैं उनको कैसे हम उनकी तिजोरियों को भर दें। तो ये इनका एक पूरा प्रोसेस है और इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, क्योंकि हम छात्र हैं, हम अपने सवालों पर भी लड़ेंगे और किसानों के भी सवालों पर लड़ेंगे, महिलाओं और हर उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। पूजा शुक्ला से पूरी भाजपा सरकार डर गई, लेकिन प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये कैसा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है कि बेटी अगर अपने हक की बात करती है तो वो थ्रेट हो जाती है, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मुझे तो ये लगता है कि बेटी बचाओ का नारा अगर असल में देखना है तो उत्तर प्रदेश में देखिए, BHU के अंदर अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी इज्जत, उनके साथ जो मॉलेस्टेशन हुआ उसके खिलाफ लड़कियां लड़ रही होती हैं, प्रधानमंत्री जी गली गली चले जाते हैं और उन लड़कियों से एक सवाल नहीं पूछने जाते हैं, और उसी दिन उसी रात को लड़कियों पे लाठी चला दी जाती है, बेरहमी से लड़कियों को मारा जाता है, और लड़कियों पे ही 307 का मुकदमा लगा करके उनको बेदखल कर देते हैं पढ़ाने से। अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दो बेटियां अमित शाह को झंडा दिखाती हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है, बेरहमी से इनकी पुरुष पुलिस वाले उनको पीट रहे होते हैं, मतलब उनको लाठियों से मार रहे होते हैं। उनकी क्या गलती थी कि उन्होंने अपना लोकतंत्र में चूंकि विरोध करने का हमें अधिकार है तो उन्होंने सिर्फ काला झंडा दिखाया। फिर आप ये देखिए कि लखनऊ में मैं जब 2 तारीख से अनशन पे बैठी तो सारे वॉशरूम बंद कर दिए गए, इनका स्वच्छता अभियान में हमने देख लिया, सारे वॉशरूम बंद, लाइट काट दी गई, पानी नहीं था, कोई जिला प्रशासन विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई भी एक व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं था। तो असल एजेंडा ये है कि बेटियों को कैसे पढ़ाई से बेदखल करूं। अगर ये बेटियों के हितैषी लोग हैं तो इनको तो PhD में सीट्स, इनको तुरंत महिला आरक्षण लागू करवा देना चाहिए। अगर ये बेटी के हितैषी लोग हैं तो जो योगी सरकार ने वादा किया था कि हम ग्रेजुएशन तक लड़कियों को फ्री शिक्षा देंगे, वो फ्री शिक्षा क्यों नहीं अभी तक वादा पूरा हो रहा है? तो इनका पूरा एक मतलब मुझे जो इनका नारा याद आता है कि इन्होंने नारा दिया था कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, वो नारा कितनी जल्दी चेंज हो गया। उन्नाव में देखिए एक बेटी अपनी इज्जत लुट गई, उसके लिए एक विधायक के खिलाफ कंप्लेन नहीं दर्ज करा पा रही, कठुआ में तिरंगा लेके मार्च कर रहे हैं। तो ये इनका नारा बदल चुका है, अब ये रेपिस्टों पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और अभी छोटा सा एग्जाम्पल है, देवरिया, प्रतापगढ़ और गोरखपुर के आसपास बाल संरक्षण गृह से लड़कियां गायब हुई हैं, उस पर सरकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है और उसमें सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में अधिकतम बलात्कारी लोग हैं या बलात्कारियों का समर्थन करने वाले लोग हैं? तो कुल मिलाकर के बेटी बचाओ नहीं, बलात्कारी बचाओ इनकी पार्टी है, और उसी के लिए चूंकि हर जगह ये बलात्कारियों को बचा रहे हैं, और ना ही इनको बेटियों की शिक्षा से कोई लेना देना है, ना ही बेटियों की इज्जत से कोई लेना देना है, और मैं तो ये मानती हूँ कि इनको देश से ही कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ इनका गुंडा संगठन AVVP वो भारत माता की जय बोलता है और उसी जगह लड़कियों को माँ बहन की गाली देता है कैंपसेस में। तो कुल मिलाकर ये झूठे लोग हैं, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और इनका झूठ अब एक्सपोज हो चुका है। हमारा आखिरी सवाल पूजा आपसे, 2019 बहुत करीब है, लोकसभा का इलेक्शन शुरू होगा, उससे पहले नवंबर दिसंबर जनवरी तक कई राज्यों में चुनाव होने हैं, ये जो क्या इसका हिसाब होगा पिछले इतने दिनों में, जो है अगर आपकी आपकी बात को, आपके एलिगेशन को माने कि स्टूडेंट पे एक तरह का अत्याचार हुआ है, तो क्या ये स्टूडेंट, ये जो युवा हैं जिसका जिक्र हमेशा मोदी जी अपने भाषण में करते हैं, ये उसका बदला लेंगे?
देखिए मैं ये मानती हूँ कि अब बदला तो लिया जाएगा और इस बार जो वोट पड़ेगा वो रोहित वेमुला को याद करते हुए, नजीब को ध्यान में रखते हुए, नजीब की अम्मी को सड़क पर घसीट के जो पुलिस वाले पीट रहे थे उस पिटाई को याद करते हुए, और सिर्फ वही नहीं बीएचयू में जो हमारी बहनों के साथ हुआ या पूरे देश में जो महिलाओं के साथ, जो दलितों के साथ, जो पिछड़ों के साथ, जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, इन सारी चीज़ों को याद करते हुए युवा वोट देने जाएगा। और 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ एक जुमला साबित होगा, मुझे तो यही लगता है अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पूजा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।